Hello friends, this is Mudassir. In this lecture series, we will discuss about educational sociology. In today's topic, we will discuss about relationship of culture with education. So let's begin our topic. Education and culture are very closely related to each other जब से beginning हुई है human existence की. So both हमें independent signs देखने को मिलते हैं. But the development of culture as well as education, they are closely related to each other. So इनकी जो development है वो possible नहीं है without one aspect. So both the aspects culture as well as education are interrelated. एजुकेशन और कल्चर का एक कॉमन गोल होता है अचीव करने के लिए. दैट इज़ अगर हम इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन की बात करें एक इंडिविजुअल की बिहेवियर की. सो बोथ कल्चर एंड एजुकेशन एक इंसान को के बिहेवियर को मोल्ड करते हैं और उसके लाइफ को वर्थ बनाते हैं. सो रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन को हम डिस्क्राइब कर सकते थ्रू द वेरियस फैक्टर्स. लाइक पहला ही फैक्टर अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर. एजुकेशन के थ्रू हम फॉर्मली और इनफॉर्मली हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं. इसमें हमारे वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स, यूजेज, प्रैक्टिस, नॉलेज, एक्सपीरियंसिस, अचीवमेंट्स और जो भी नॉन मटीरियल आस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं. इट इज़ ओनली थ्रू एजुकेशन. नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर. सो ऑल द एजुकेशन जो भी ऑल द एजेंसीज जो भी एजुकेशन में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. सो ये ओनली बिकॉज ये ओनली पॉसिबल है जब एजुकेशन एक मतलब रोल प्ले करता है टूवर्ड्स द कल्चर. सो थाउजेंड्स ईयर्स से हम देखते आए हैं जो कल्चर ट्रांसमिट हुआ है फ्रॉम टू द प्रेजेंट एज. सो ये ओनली बिकॉज ऑफ द एजुकेशन हुआ है. नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है प्रमोशन और एनरिचमेंट ऑफ कल्चर. एजुकेशन खाली कल्चर को प्रिजर्व और ट्रांसमिट नहीं करता, अलबत्ता जो कल्चर है ये इसको प्रमोट करता है फॉर द कमिंग जनरेशंस इन द सेम फॉर्म. सो बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसकी एनरिचमेंट और प्रमोशन के लिए. सो आपको अब अंदाज़ा हुआ होगा कि जो एजुकेशन है ये कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रमोशन एज वेल एज एनरिचमेंट ऑफ कल्चर. सो ये हमारी लाइफ में नए नए एक्सपीरियंसेस, नॉलेजेस, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को ऐड करता है इन द फील्ड ऑफ साइंस एज वेल एज टेक्नोलॉजी और जो भी अदर अचीवमेंट्स देखने को मिलते हैं हमें सोसाइटी के. सो इनको हम ट्रांसमिट करते हैं, प्रमोट करते हैं और एनरिच करते हैं थ्रू एजुकेशन. नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है रिफाइनमेंट ऑफ कल्चर. सो एजुकेशन के थ्रू हम रिफाइनमेंट ब्रिंग करते हैं नए नए अपने कल्चर्स में. सो ओल्ड कल्चर्स के जिनमें कुछ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस मतलब अनयूजफुल हमें देखने को मिलते हैं, अनइम्पॉर्टेंट देखने को मिलते हैं. सो उनको ये साथ साथ डिलीट करता रहता है और एक्सक्लूड करता रहता है. आइदर उनकी जो यूटिलिटी हैं और सिग्निफिकेंस हैं वो डिस्कार्ड होती हैं. सो कल्चर के थ्रू नए नए रिफाइनमेंट्स, नए नए एडेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं विद इन द कल्चर. इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू एजुकेशन. नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट फैक्टर की, वो है डिफ्यूजन ऑफ कल्चर. एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नए नए डिफ्यूजन्स लाना कल्चर में. सो ये हमें डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में आंधी नहीं देखने को मिलती हैं, बट ये हमें ऑल द कंट्रीज जो भी डिफरेंट कंट्रीज हमें वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं उनमें चेंज आती हैं. सो मास मीडिया एक इनफॉर्मल एजेंसी है जो कि एजुकेशन के थ्रू बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नए नए चेंजेस को मतलब लाने में विद इन द कल्चर और इन ऑल द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड में ये चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें, रिमूविंग कल्चरल लैग. प्रीवियसली हमने कल्चरल लैग के रिलेटेड डिस्कस किया, जो कि एक गैप हमें देखने को मिलती हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर को. सो इस लैग को हम ओनली बिकॉज ऑफ कल्चर और एजुकेशन के थ्रू दूर कर सकते हैं थ्रू द वेरियस एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट. नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कल्चर. एजुकेशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल्स को अडेप्ट करने में, चेंजिंग नेचर या कल्चर ऑफ द सोसाइटी.
इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जो एजुकेशन है ये चाइल्ड की डेवलप, चाइल्ड की जो पर्सनालिटी हैं होती हैं उसको वो ये डेवलप करता है और ये एम्प्लॉय करता है डाइवर्स कल्चरल पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग बिहेवियर एंड जो भी कल्चरल वैल्यूज हमें देखने को मिलते हैं, ये एक चिल्ड्रन को फिजिकली मेंटली सोशली एज वेल एज इमोशनली साउंड बना देती हैं, डेवलप करती हैं इन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। सो बात करते हैं क्या इन्फ्लुएंस है कल्चर का ऑन एजुकेशन। जो कल्चर है ये इन्फ्लुएंस करता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन। बात करते हैं एम ऑफ एजुकेशन की, जो भी मीनिंग और एम्स ऑफ एजुकेशन है इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं थ्रू द कल्चरल आइडियाज वैल्यूज पैटर्न्स ऑफ द सोसाइटी। इन शॉर्ट जो कल्चर है ये सोसाइटी में बहुत ही सोसाइटी के लिए, एक सोसाइटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है। सो इससे हम एक एम ब्रिंग करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट जो करिकुलम है, दूसरा फैक्टर जो करिकुलम है, जो करिकुलम को हम प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। जिस सोसाइटी का जैसा कल्चर होगा तो उस सोसाइटी में हम वैसे ही करिकुलम फ्रेम करते हैं। जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो रियलाइज करता है जो भी कल्चरल नीड्स होते हैं सोसाइटी के। सो थ्रू करिकुलम ये कंडीशंस, ऑल द कंडीशंस को नज़र में रख के करिकुलम को बनाया जाता है और जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द कल्चरल एस्पेक्ट से हम करते हैं। सो अगर हम विदाउट कीपिंग इन व्यू द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, सो जो हमारी नॉलेज होगी वो वेस्ट होगी। सो अगर हम एज अकॉर्डिंग टू कल्चर करिकुलम डेवलप नहीं करेंगे, सो करिकुलम के थ्रू करिकुलम को हम कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहते हैं ताकि वो कैटर कर सके नीड्स ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ द टीचिंग। जो कल्चर हैं वो जो भी मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं वो क्लोजली रिलेटेड हैं आपस में, जो कि कल्चरल पैटर्न्स हमें चेंज देखने को मिलती हैं जो कि इन्फ्लुएंस दिखाते हैं ऑन द मेथड्स ऑफ द टीचिंग। सो प्रीवियस टीचिंग, जो पहले टीचिंग टीचर्स हुआ करते थे वो पहले टीचिंग हुआ करती थी टीचर सेंट्रिक, जिसमें जो टीचर नॉलेज देता था चाइल्ड को। नाउ जो आज की मेथडोलॉजी है वो है स्टूडेंट सेंट्रिक, जिसमें जो खाली टीचर जो है वो खाली इंस्ट्रक्ट करता है स्टूडेंट्स को नॉलेज, और जो भी कल्चरल और सोशल कंडीशंस होते हैं वो जनरेट करते हैं वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इन द पावरफुल मैनर। सो डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग के थ्रू हम टीचिंग को मोर रियलिस्टिक और नए ट्रेंड्स के साथ चलाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। सो इन द फील्ड ऑफ टीचिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखने को मिलता है कल्चर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसिप्लिन की। जो डिसिप्लिन है, जो भी हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डिसिप्लिन। अगर हम बात करें प्रेजेंट कल्चरल पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग और लिविंग के, जो कि डायरेक्टली लिंक करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसिप्लिन, जहाँ पे हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मतलब एक्सेप्शन एक मिलती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा टीचर, जो टीचर हैं, ईच इंडिविजुअल टीचर जो हैं वो इम्बाइब करता है अपने अंदर कल्चरल वैल्यूज़ को, वो अडाप्ट करता है नए नए कल्चरल वैल्यूज़ आइडियाज़ सीखता है फ्रॉम द सोसाइटी। सो जिसके थ्रू वो एक इंटेग्रल मेंबर बनता है एक सोसाइटी का। सो ओनली जो ऐसा टीचर होगा जो जिसके अंदर कल्चरल वैल्यूज आइडियाज़ होंगे, सो वो अपने मिशन, टीचिंग मिशन को सक्सेसफुल कर पाएगा। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखने को मिलते हैं हमें। सो जो टीचर हैं वो फिर इम्पार्ट करता है हायर आइडियाज़ और मॉरल वैल्यूज इन द चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक्स की। जो भी करिकुलम है उसमें टेक्स्ट बुक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल करती हैं, और उन टेक्स्ट बुक्स को हम राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेटेड और डिटरमाइंड करिकुलम एज वेल एज कल्चर। सो इन कल्चर्स को, सॉरी, इन टेक्स्ट बुक्स को हम तभी वेलकम करेंगे जो कि फोस्टर करते हैं, प्रमोट करते हैं कल्चरल वैल्यूज एंड आइडियाज़ एमंग द चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कूल। स्कूल एक मेन मैनेजर हमें देखने को मिलता है, मेन एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है सोसाइटी का। सो जो भी टोटल एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल को, स्कूल में वो ऑर्गेनाइज होते हैं अकॉर्डिंगली टू द कल्चरल, जो भी अकॉर्डिंगली
विद द कल्चरल आइडियाज़ एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, जो कि एस्टेब्लिश और ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूल. सो हैंस जो स्कूल हैं, ये सेंटर हैं, इसमें हम प्रमोट करते हैं, मोल्ड करते हैं, रिफॉर्म करते हैं और डेवलप करते हैं नए नए कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द सोसाइटी. सो गाइज, इतना आज का हमारा टॉपिक. आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.